थर्ड पीरियड है, अब जा रहा है, मैं पीरियड के नंबर नहीं पूछा, मैं पीरियड का नाम पूछा। फिजिक्स का पीरियड है सर। फिजिक्स का पीरियड है जी। चलो इतना मुझे पता ही है, तेरे माँ बाप ने तो पता ही दिया होगा कि स्कूल में पढ़ने क्या जाता है, अब मैं क्या पढ़ाता। ठीक है, कल मैं तेरे घर आऊंगा संपर्क के लिए, ठीक है ना? नहीं सर, मेरे घर पर संपर्क हो गया है। अरे घरे संपर्क हो गया है, लेकिन मैं भी जा सकता हूँ सर, वो सब क्लास से रहते हैं घर में। अरे घरे मैं तो सब्जेक्ट टीचर हूँ ना, तो मैं भी जा सकता हूँ। नहीं सर, कल तो मैं घर में नहीं हूँ। अच्छा सर ठीक, मैं सर संडे को तो मैं नहीं मिलूंगा। देखो मैं संडे को आऊंगा 10 बजे, तुझे मिलना है तो मिलियो, नहीं मिलना तो नहीं मिलियो। चल नीचे बैठ, चुप। ठीक है सर, आएगा ना घर में अगर कुत्ता बन जा करेगा। चाहे कुत्ता करे या कुत्ते की मम्मी करे, लेकिन इंतजार किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। अब जवान में चला, अपने टीचरों से कैसे बात की जाती थी, तमीज नहीं है इसकी भी। नहीं सर, तमीज तो बहुत है, पर सर जब आप बार बार डांटते हैं तो मेरे को सर कुछ बोलना नहीं है। तो क्या करें, मैं भी तो डांट डांट खाकर बड़ा हुआ हूँ। चुप। जी देखो तो देखो किसे काम रहा है, मारते क्यों? मेरे घर आया, तुमने पहले नहीं छुई, चल पैपन छुएगा। जी वो तो आदत ही नहीं मेरी सर। जी मैं सीख करके बताता हूँ, देख ऐसे पैर छूते नलाय कभी। चल ठीक है, मैं तेरी माता जी की पैर छुट्टी बताता हूँ, ऐसे छूते हैं। चल तो छू, नहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, यहाँ की जनरेशन कैसी हो गई, इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो तुझे क्या करना अच्छा लगता है? हाथ नहीं लाना। हमने झूले बस अब हाथ ही लाएगा नलाय कहीं का, ये तो आजकल का रूल है हाथ मिलाना। तो फिर कितने का हाथ मिलाएगा? जी सर हाथ मिलाएगा। जब भी सुबह उठाओगे अपने पिताजी से।